तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस हैव वेरी वेल एंड आई एम प्रेइंग फॉर यू गाइस स्टे हैप्पी एंड सेफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बैक टू द वीडियो। जी हाँ, जो वीडियो पर आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, जिस वीडियो पर हम सब रिएक्शन देने वाले हैं, उस वीडियो का मैं बहुत, मतलब कहते हैं ना, बेसब्री से इंतज़ार करना। वो काफ़ी टाइम से मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, इस वीडियो का वेट कर रहा था। फाइनली इसका ट्रेलर जो है वो आ चुका है। जी हाँ, इस मतलब एक उस Z5 की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है हड्डी। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं आप सबको बता दूँ। जी हाँ, ये एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक आने वाली अपकमिंग मूवी है और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की है। ये ऐसे मतलब सिनेमाघरों में प्ले नहीं, मतलब रिलीज़ नहीं होने वाली है, ये ओटीटी की है। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसमें पता है क्या है, आप देखोगे जितने बड़े बड़े एक्टर हैं ना, सबका फेस है। लाइक अनुराग कश्यप, जीशान अय्यूब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो ये लोग बड़ा बड़ा फेस है इसमें जो काम कर रहा है। तो सोचो इतना बड़ा बड़ा फेस है। सबसे बड़ी चीज़ ये है यार कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है। एंड काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था। वेट करने का मेरा मतलब ये था, रीज़न ये था वेट करने का, बिकॉज इस वीडियो के पीछे जो हार्डवर्क है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो पहले वीडियो देखते हैं, देन मैं बताऊँगा कि हार्डवर्क मतलब किस वे पे हार्डवर्क किया हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। देखो यार, बहुत सारी वीडियोज़ है ना जो मेरे चैनल से रिमूव कर दी जाती हैं। रिमूव करने का रीज़न ये होता है कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज्ड नहीं है, तो यहाँ से फंड नहीं आता है, मनी नहीं आती है। तो जिस चैनल की मैं वीडियो यूज़ करता हूँ वो वहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव इसलिए कर देते हैं कि उनको फंडिंग नहीं होती, उनको पैसे नहीं मिलते हैं मुझसे। तो आप सबसे गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और जो वीडियो मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करके बनाता हूँ वो वीडियो रिमूव ना हो। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं, देन काफ़ी सारी बातें करते हैं। लेट्स गो। पता है लोग हमसे क्यों डरते हैं? हमारा आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है और हमारा श्राप बहुत भयावह, और उससे भी भयावह। जानते हो क्या होता है हमारा बदला? जो आदमी बिना दो बार सोचे ठुल्ले को मार सकता है, कितने काम का होगा? तुझे हड्डी क्यों बुलाते? बचपन में लिंचिंग हो गई थी मेरी, अब गले में हड्डी थी नहीं तो फंदा सरक गया। भाई डायलॉग तो सुनना, एक एक चीज। लाइफ का रिक्वायरमेंट ज्यादा था, मूड में आए हुए आदमी को लूटना नहीं है, घर में घुस के कत्ल करना है। क्या कर लेगा? बात है, मैं कर लूंगा। अनुराग कश्यप, आपके घराने की वजह से काम रुक गया है। तेरी सॉफर पे मैं थूकती हूँ। उसे बर्बाद करने के चक्कर में तुम भी उसके जैसे होते जा रहे हो। किसी ने तो चुगली की है मेरे खिलाफ। हड्डी की इच्छा निकल। आप ये देखो, मैं बीच में पोस्ट नहीं किया मैंने, पता है क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान हट ही नहीं रहा था वहाँ से। मैं मतलब अंदर से फीलिंग आ रही थी, नहीं नहीं पोस्ट नहीं करना, पोस्ट नहीं करना। बट मैं आप सबको बता दूं कि देखो इसमें कि एक एक डायलॉग पे ध्यान दिया गया है और हर चीज़ पे। भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी है यार, मतलब एक्टर, इसको बोलते हैं एक्टर, इसको बोलते हैं एक्टिंग करना। और अनुराग कश्यप भाई, मतलब वो ऐसा डायरेक्टर है ना कि उसका जमीर जहां गंवारा नहीं देता, उस काम को छोड़ देता है। आपने देखा होगा गैंग का वासेपुर, गैंग का वासेपुर की बहुत सारी मतलब ऐसी उसकी बहुत मतलब एक कहानी है पीछे की, जिसे बोलते हैं पीछे की बहुत कहानी है। तो बहुत तगड़ी कहानी है, आप सुनोगे ना तो आप खुद बहुत इमोशनल हो जाओगे उस मूवी को लेके। तो मैं इस मूवी के लिए बताता हूँ, जिसमें मैं आपको सस्पेंस जो मैंने बोला था ना कि एक बहुत पीछे हार्डवर्क है, आपको बताया
ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो इसमें मतलब रोल दिया गया है ना कि एक गे का रोल किया है, इस रोल के पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया गया है। मतलब इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है कि अब भी जब मैं आपको बताऊंगा ना, आप खुद बोलोगे कि हाँ यार, मतलब ऐसा भी होता है क्या? मतलब इतना ज़्यादा हार्ड वर्क होता है अगर अच्छा काम करने के लिए। तो पहले जो बाकी के और इसमें मतलब सीन्स बचे हैं उसको देखो, इसके बाद मैं बताऊंगा कि वो हार्ड वर्क क्या था। मुझे ना डराया मत कर, मैं डर जाता हूँ। मैं झुकेगा नहीं, चीफ गेस्ट आने वाला। चीफ गेस्ट आने वाला नहीं। क्या बात है यार, आ गई। मैं औरत थी, मैं औरत हूँ और औरत रहूंगी। तो फाइनली मेरा सब्र खत्म हुआ इस सीरीज को लेके। एंड मतलब सीरीज ही समझ लो या मूवी समझ लो, OTT की है तो उसको एक तरीके से, मतलब मेरा जो वो है ना कि OTT की जितनी भी मतलब मूवी या सीरीज होती है, मैं उनको सीरीज ही बोलता हूँ यार मोस्टली ऐसे ही। तो आप खुद से समझ जाया करो, इतना ज़्यादा माइंड मत किया करो। हाँ, तो आप जितनी देर मतलब मैं आप सबको इतना ज़्यादा मतलब सब्र करवाया और इतना ज़्यादा वेट करवाया कि वो सस्पेंस क्या था, मैं वो सस्पेंस बता दूँ आपको। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो इसमें रोल है ना, गे का रोल है, इस रोल को मतलब इस रोल में आने के लिए, देखो भाई एक मर्द है, मर्द को औरत के रोल में आने के लिए टाइम लगता है, तो इस रोल में लाने के लिए 3.5 घंटे का रोज मेकअप करना पड़ता था नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, जब जाके नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल ये आता था, मतलब एक गे का रोल, औरत का रोल, मतलब पूरा उसको लुक मिलता था तब वो एक्टिंग करता था। मतलब हर एक्टिंग से पहले 3.5 घंटे 4 घंटे मेकअप पे देना होता था। तो सोचो कि एक मूवी बनाने के लिए ना, अच्छी कुछ भी अच्छी सीरीज या मूवी कोई भी चीज़ है, अच्छा बनाने के लिए देखो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क भी ऐसा होता है कि एक्टिंग करने के लिए भी एक बंदा होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए। तो ये लोग रियल में ना एक्टर हैं और ये एक्टिंग करते हैं भाई। तो इनकी एक्टिंग को मतलब मैं सलाम, मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, तोपों की सलामी देना, तो वो और अनुराग कश्यप, जिशान अय्यूब, भाई ये लोग एक्टर हैं और ये लोग काम करते हैं। तो इनके ना काम पे उंगली, मैं देखो मैं चाहता भी हूँ कि बहुत सारे, मेरा पर्सनली ऐसा कुछ थॉट नहीं होता है कि मैं इस बंदे को पॉइंट आउट करूँ, इस बंदे को बोलूँ, ऐसा नहीं होता है। देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इसमें काम किया हुआ है तो मैं तारीफ करूँगा ऑब्वियसली, जिसमें काम नहीं किया हुआ था उसको भी मैं बोलता हूँ, जो प्रॉब्लम मेरी तरफ से दिखती है मैं वो बोलता हूँ। तो मेरी वो वाली आदत नहीं है कि अच्छा नहीं है फिर भी अच्छा बोलो, खराब है तो उसको खराब ना बोलो, अच्छा बोलो, नहीं, जो रियलिटी जो फैक्ट होता है मैं वो बताता हूँ, जो मेरा ओपिनियन ओरिजिनल वीडियो को लेके होता है वो बताता हूँ। इसलिए मैं आप सबको भी बोलता हूँ कि आपका जो ओपिनियन मेरी वीडियो से रिलेटेड होता है, आप भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स करके बताया करो, ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई मेरी तरफ से क्या गलती हुई है। ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब एक गलती ना करने वाला एक पुतला हूँ कि मैं मुझसे गलती नहीं होगी, भाई गलती ऑब्वियसली मैं भी करता हूँ, तो आप लोग मुझे पॉइंट आउट किया करो ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी तरफ से भी क्या गलतियाँ होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसका मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और आप तक मैंने पहुँचा दिया है, और आप दूसरों तक जहाँ दिल करे वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है, मैंने आप तक पहुँचा दिया है। आप देखो, इन्जॉय करो और ऐसे ही मुझे प्यार करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी मतलब जितनी भी जो भी कंटेंट है आप तक पहुंच सकता है मैं आप तक पहुंचाऊं। ऐसे ही सपोर्ट करो, प्यार करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। बाय।